हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, अ बुलेट फायर्ड अगेंस्ट अ ग्लास विंडो पेन। क्या हुआ है? एक बुलेट है, फायर हुई है ग्लास विंडो पेन पे एंड मेक्स अ होल इन इट एंड द ग्लास इज नॉट क्रैक। सिर्फ एक होल बनाकर जो बुलेट है वो चली गई और जो ग्लास पेन है वो क्या है, वो क्रैक नहीं हुआ है। बट ऑन द अदर हैंड, व्हेन अ स्टोन स्ट्राइक्स ऑन द ग्लास पेन, मगर उसी अगर हम एक दूसरा केस देखें, जब हमने एक स्टोन स्ट्राइक करा है उसी सेम ग्लास पेन के ऊपर, उसी टाइप के ग्लास पेन के ऊपर, व्हेन इट गेट्स स्मैश्ड, जो हमारा स्टोन की केस के अंदर ग्लास होता पूरा स्मैश हो गया, व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों हुआ है, हमें ये क्वेश्चन करने बताना। सो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कांसेप्ट देखेंगे। की कांसेप्ट क्या है हमारा? सबसे पहले हमें ये समझना होगा की कांसेप्ट है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हमें पता होना चाहिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में, हमें पता होना चाहिए। क्या कहता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? हमें मोमेंटम के बारे में भी पता होना चाहिए, मोमेंटम। और हमें किसके बारे में पता होना चाहिए? हमें इनर्शिया के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर हमें ये तीनों चीजें पता है तो हम क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो अब देखते हैं, सबसे पहले क्या हो रहा है, बुलेट फायर हुई है। क्या फायर हुई है? बुलेट फायर हुई है। दिस इज अ बुलेट, ये बुलेट है हमारी। और क्या है यहाँ पे, एक ग्लास पेन प्रेजेंट है, ये एक ग्लास पेन है हमारा। अब बुलेट को हमें इतना तो पता है कि जब बुलेट फायर होगी किसी भी जगह से, किसी भी हमारे गन से फायर होगी, तो उसकी वेलोसिटी कैसी होगी? उसकी वेलोसिटी हाई होगी। कभी हमने ये तो नहीं देखा कि बुलेट हमारी आराम आराम से स्लो स्लो चलती हुई आ रही, ऐसा तो सिर्फ साउथ की मूवीज में होता है। नॉर्मली बुलेट की क्या होती है, वेलोसिटी हाई होती है। कैसी होती है इसकी वेलोसिटी? हाई। अब इस हाई वेलोसिटी से बुलेट जब जा रही थी, इसने क्या करा, इस ग्लास पेन के ऊपर आकर स्ट्राइक करी। स्ट्राइक करने के बाद मतलब उसने ग्लास पेन को कुछ नहीं करा, बुलेट बहुत अच्छी है, उसने सिर्फ इतने पोर्शन के अंदर होल बनाया और वो फिर चली गई। और जितना ये रेस्ट ऑफ द पोर्शन है, ये जो हमारा पिंक एरिया है, ये सारा का सारा एरिया एज इट इज रह गया, स्मैश नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक होल बन गया, ये छोटा सा होल बन गया। तो ऐसा क्यों हुआ? अगर हम देखें जो हमारी वेलोसिटी है बुलेट की, वो कैसी है? हाई वेलोसिटी है, काफी हाई वेलोसिटी है। हाई वेलोसिटी का क्या मतलब हो गया कि इस बुलेट का मोमेंटम भी हाई होगा। मोमेंटम भी हाई होगा। मोमेंटम हाई क्यों होगा? बिकॉज मोमेंटम हमारा मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों। तो अगर हमारा वेलोसिटी हाई है तो हमारा मोमेंटम भी हाई हो जाएगा। अब जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से बुलेट ने हम यहाँ पे स्ट्राइक करा, यहाँ तक आई नहीं, स्ट्राइक करा इसने जाके, स्ट्राइक करने के बाद ये क्या था, ये जितना भी ग्लास पेन था, ये पूरा का पूरा ग्लास पेन जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये तो पहले मोशन के अंदर नहीं था, ये तो आराम से रेस्ट के अंदर था, ये तो कहीं चल के नहीं जा रहा था। अब क्या हुआ, जब बुलेट यहाँ पे आके स्ट्राइक करी, इस पॉइंट के ऊपर जब आके स्ट्राइक हुई है हमारी बुलेट, तो इससे क्या हुआ है कि जो चेंज आया वेलोसिटी के अंदर, क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ वेलोसिटी का, ट्रांसफर ऑफ वेलोसिटी होना चाहिए था, यहाँ पे हुआ नहीं है अभी, ट्रांसफर ऑफ वेलोसिटी होना चाहिए था। और ट्रांसफर ऑफ वेलोसिटी कहाँ होना चाहिए था, अगर पूरे के पूरे हमारे ग्लास पेन के अंदर होता तो पूरा का पूरा ग्लास पेन टूट जाता हमारा, मगर सिर्फ इतने से एरिया का क्या हुआ, सिर्फ इतने से एरिया के अंदर ट्रांसफर ऑफ वेलोसिटी हुआ, बिकॉज इतना टाइम ही नहीं मिला। क्या नहीं मिला? टाइम नहीं मिला, इतना टाइम इज नॉट देयर। बहुत छोटा सा टाइम पीरियड आया, बहुत छोटे से टाइम के लिए क्या हुआ, हमारी बुलेट टकराई, वेलोसिटी तो हाई है ना बुलेट की, तो बहुत स्लो स्लो तो जाएगी नहीं बुलेट, छोटे से टाइम पीरियड के लिए टकराई, और सिर्फ इतना, ये जो ग्रीन पोर्शन है इसके साथ ही ट्रांसफर ऑफ वेलोसिटी हुई है, इसके साथ, सिर्फ इतने ग्रीन पोर्शन के साथ। और जो पिंक एरिया है इसके साथ ट्रांसफर ऑफ वेलोसिटी नहीं हो पाई। क्या हुआ? नो ट्रांसफर ऑफ वेलोसिटी, ट्रांसफर ही नहीं हुई कोई भी वेलोसिटी, वो अब जैसा का जैसा था, बाकी प्लेन उसी कंडीशन के अंदर रह गया, उसी कंडीशन के अंदर रह गया से हमारा क्या मतलब है, उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ही अप्लाई नहीं हुई है। क्या नहीं अप्लाई हुई? पिंक एरिया की बात कर रहे हैं हम, एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट हियर, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है यहाँ पे, कोई भी अप्लाई नहीं हुई। तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करें, क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? एक ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल कंडीशन के अंदर ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो इस पोर्शन के ऊपर तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो गई थी, जहाँ पे होल बना, ये जो होल बना यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो गई थी, मगर बाकी एरिया के अंदर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो पाई क्योंकि ट्रांसफर ही नहीं हुआ वेलोसिटी का। तो क्या हो गया, जो हमारा सिर्फ होल बन के रह गया और हमारा बाकी का जो ग्लास था वो क्रैक नहीं हुआ, डू नॉट गेट क्रैक।
डू नॉट क्रैक, बाकी का हमारा ग्लास बच गया, हमारे बुलेट ने ग्लास को कुछ नहीं करा, बस एक होल बना के चली गई। अब अगर हम बात करें स्टोन की, इसके अंदर क्या होता है, स्टोन है हमारा, ये एक स्टोन है छोटा सा हमारा, छोटा फेंको बड़ा फेंको, अभी हम नॉर्मल बात करें स्टोन की बात कर रहे हैं, कैसा भी स्टोन है हमारा, स्टोन भी हमने कुछ ना कुछ वेलोसिटी से फेंका होगा राइट। ये हमारा क्या है, हमारा फिर से एक ग्लास पेन, एक और हमने ले लिया एक्सपेरिमेंट के लिए, हमें देखना है ऐसा क्यों हो रहा है। अब हम इतना तो पता है कितनी भी स्पीड से फेंके हमारे स्टोन को, हम वेलोसिटी और बुलेट से मैच नहीं कर पाएंगे, और कितनी भी हमारे पास स्पीड है, कितनी भी एनर्जी है, बुलेट से तो कम ही होगी, जितनी भी हो तो क्या है ये वेलोसिटी लेस है, एज कम्पेयर टू किसके, बुलेट के लेस है ये वेलोसिटी। वेलोसिटी लेस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि यहाँ पे मोमेंटम भी कम है, क्या कम है, मोमेंटम कम है, बिकॉज वेलोसिटी कम होगी तो मोमेंटम को भी कम होना पड़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना वेलोसिटी के मोमेंटम हमारा, तो इसकी वजह से क्या हो गया, मोमेंटम भी कम हो गया। अब ये स्टोन जा रहा है स्ट्राइक करने इसके ऊपर, किसके ऊपर, ग्लास पेन के ऊपर गया, अब इसकी क्या है वेलोसिटी कम, अब भी हमने बोला है वेलोसिटी, बार बार हम बोल रहे हैं वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी कम होने से यहाँ पे क्या होगा, ये आराम से जाएगा, इससे क्या हुआ टाइम इंटरवल मिला है चेंज इन वेलोसिटी के लिए, ये पॉइंट ध्यान से देखना है हमें, क्या हुआ यहाँ पे टाइम इंटरवल मिला है, टाइम इज देयर, किस चीज के लिए टाइम मिला है, ट्रांसफर ऑफ वेलोसिटी के लिए, फॉर ट्रांसफर ऑफ वेलोसिटी, ट्रांसफर ऑफ वेलोसिटी, जितनी भी वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी, हमारे स्टोन की वेलोसिटी, ये जो हमारा स्टोन है इसकी वेलोसिटी का ट्रांसफर हुआ, ये जो इसकी वेलोसिटी थी जितनी भी थी कम थी, मगर ऑब्जेक्ट तो हमारे रेस्ट में था ना, तो उससे तो ज्यादा है, तो इस पूरे के अंदर ट्रांसफर हुआ वेलोसिटी का, सारे के अंदर एनर्जी, सारे के अंदर वेलोसिटी ट्रांसफर हुई पूरे के पूरे ग्लास पेन के अंदर, और ये पहले कैसा था, पहले तो ये आराम से रेस्ट के अंदर था, अब ट्रांसफर इन वेलोसिटी से क्या हुआ, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो गई इसके ऊपर, क्या अप्लाई हुई, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो गई भाई, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो गई तो क्या हो जाएगा, इसकी कंडीशन चेंज हो जाएगी, यही कहता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि एक ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल कंडीशन के अंदर कब तक रह सकता है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, बट अब यहाँ पे क्या हो, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो गई, एकदम से आई फोर्स, और क्या हो, इसकी वजह से हमारा ग्लास जो है वो टूट फूट हो गया, पूरा क्या हो गया, क्रैक्ड हो गया, क्रैक्ड हो गया, व्हाई, बिकॉज़ टाइम मिला है यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ वेलोसिटी के लिए क्या हुआ, टाइम मिला है यहाँ पे, इनर्शिया जो था उसने यहाँ पे एक्ट करा, कैसे एक्ट करा, बुलेट के केस के अंदर तो इनर्शिया कुछ काम, इनर्शिया क्या था हमारे, बाकी ऑफ द बुलेट के पास प्रेजेंट था, जो बाकी हमारा ग्लास था वहां पे पूरी की पूरी बॉडी कैसे रही, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, यहाँ पे इनर्शिया जो था उसने एक्ट नहीं करा, मोशन ने एक्ट नहीं करा, जो बाकी वाला था इनर्शिया ऑफ रेस्ट ने बाकी के बाकी ग्लास पेन को एज इट इज रखा, रेस्ट कंडीशन के अंदर रखा, हमें दिख रहा है ये, मगर यहाँ पे चेंज हुआ वेलोसिटी का, तो ग्लास हमारा क्या हो गया, क्रैक हो गया, पूरा का पूरा जो हमारा ग्लास है ये इनर्शिया ऑफ मोशन के अंदर आया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुई और ये क्रैक हो गया। सो व्हाट वी कैन से, बिकॉज देयर इज एन इंटरवल ऑफ टाइम, ग्लास हमारा क्रैक हो गया। Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.